हेलो दोस्तों, दिस इज इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम आपको ले लेकर आए हैं अपनी नई साइट पर। हमारी नई साइट स्टार्ट हो चुकी है, जो हो रहा है कंस्ट्रक्शन बेसमेंट का, जिसका पर्पस होता है हॉस्पिटलिटी के लिए। मुजफ्फरनगर में हमारी ये नई साइट है। तो हमारा जो एरिया बनता है वो 70 स्क्वायर फीट गहराई का होता है और 30 स्क्वायर फीट चौड़ाई का होता है। तो दोस्तों, अपन इसमें बनाने जा रहे हैं बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बताते हैं कि बेसमेंट जब हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग के बाद। तो दोस्तों, आने वाली फर्दर वीडियो में ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने आपसे साथ बात साझा करनी है कि इस स्टेज पर जो आप देख पा रहे हैं, एक साइड में हमारे कॉलम खुदे हुए हैं और एक साइड में कॉलम लगे हुए हैं। हमारा अंदर जो है फिलिंग का कार्य हो चुका है। उसमें हमारा स्टेप टू स्टेप क्या प्रक्रिया रही, कितने स्टेप में हमने काम किया है। तो पहले स्टेप की बात करें तो हमारा जो ये प्लॉट था वो फुली लेवल था रोड के लेवल में। ओके बॉस, तो रोड के लेवल में फ्लैट होने के बाद हमने इसमें क्या कराया, जेसीबी से पूरे के पूरे प्लॉट की खुदाई कराई। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना होता है खुदाई कराने के लिए कि हमें किस लेवल में रोड के नीचे खुदाई करानी है। ठीक है बॉस, तो उसका ध्यान रखने के लिए अपन ने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लेवल डिस्कस करते हैं। तो हमने इसका लेवल जो है निर्धारित करा कि जो हमारा बेसमेंट रहेगा वो जो हमारा रोड है, माना हमने रोड का जो लेवल है वो 0 स्क्वायर फीट पर है। ठीक है बॉस, उसके ऊपर हमने जो लेवल की छत ले जानी है, अपने जो बेसमेंट होता है उसकी छत ले जानी है, वो 5 फीट हाइट पर ले जानी है। ठीक है बॉस, 5 फुट हाइट जो है लैंटर के ऊपर की रहेगी और हमारा जो लैंटर का हिस्सा रहेगा वो 6 इंची मोटर रहेगा। और हमने पता करना है कि लैंटर से नीचे हमारे पास जो लटक हुआ बीम होगा वो हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि हमारा 15 इंची बीम लटकेगा। अब बीम से नीचे हमें पैमाइस चाहिए कि 9 फीट, तो हमने ध्यान देना है कि हमने जो है रोड से कितनी गहराई तक खुदाई करानी है। तो हमने इसका हिसाब लगाने के बाद पाया कि 6 इंची और 15 इंची हमारे पास हो गया, 21 इंची और 9 फीट अलहिदा से रहा। उसके बाद हमें ये जो रिज़ल्ट मिल के आया वो दोस्तों मिल के आया लगभग 9 इंची का। ठीक है बॉस, अब हमें पता चलेगा कि 10 फीट 9 इंची पर हमारा जो है नीचे लेवल पे क्या रहेगा दोस्तों, फरश रहेगा। अब फरश हमारा रहता है 4 इंची का, उसके नीचे जो हम करते हैं काम RBB यानी रोडे का, वो होता है हमारा 6 इंची का। ठीक है ना बॉस, तो अप्रोक्सीमेट हमें पता चला कि हमें लगभग 12 फीट की जो है ऊपर छत से नीचे खुदाई करवानी होती है। ठीक है बॉस, और ग्राउंड लेवल से हम 5 फीट ऊपर है तो हमें पता चल गया कि हमने जो है 7 फीट नीचे गहराई में खुदाई करवानी है। तो हमने पहले इसकी पूरी की खुदाई कराई 7 फीट की गहराई। ठीक है बॉस, खुदाई कराने के बाद हमारे पास आता है कॉलम की बारी। हमने इसमें जो कॉलम बनाए हैं वो दोस्तों 10 नंबर ऑफ बार्स यूज़ किया है 16 mm का और 4 नंबर ऑफ बार्स यूज़ किया है हमने इसमें 12 mm का। ओके बॉस, हमने कॉलम का जो साइज़ रखा है वो 9 इंची और 14 इंची का रखा है। ठीक है बॉस, यानी 225 सेंटीमीटर पर। ये आप देख पा रहे हैं हमारे जो कॉलम है इसमें हमारे जो साइड के सरिये हमने इस्तेमाल किए हैं ये 16 mm के सरिये हैं, ये चारों साइड में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अलाइदा हमने ये अलाइदा में जो दूसरे सरिये इस्तेमाल किए हैं ये हमारे होते हैं दोस्तों जो कंप्रेशन जोन के सरिये आते हैं वे होते हैं हमारे 12 mm के। ठीक है बॉस, हमने इसमें जो रिंग बनाए हैं वे 250 के सरिये में रिंग बनाए हैं और इसका जो बीच की दूरी हमने रखी है वो 8 इंची रखी है। ठीक है बॉस, इसके साथ हमने अब क्या किया है दोस्तों, कॉलम बनवाने के बाद इसकी थेपी बनवाई है हमने, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं थेपी हमने 4x4 की चौकोर बनवाई है। 4x4 की चौकोर थेपी का जो एल मुड़वाई है वो 4 इंची ऊंचाई को मुड़वाई है। ठीक है बॉस, उसके बाद अपन सबसे पहले क्या करते हैं, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम भरते हैं थपकी को। थपकी को भरने के बाद सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है, नीचे कॉलम हमने देखना होता है कि कॉलम और कितना नीचे हमारा जाएगा। ठीक है बॉस, तो देखते हैं कॉलम हम सरफेस लेवल तक 7 फुट की गहराई तक हमने बेसमेंट को खोद दिया था, अब उससे नीचे भी हमने जाना है पूरे के पूरे 3 फीट कॉलम को नीचे लेकर के। तो रोड लेवल से हमने मान चुके हैं कि रोड लेवल से हमने क्या कर लिया दोस्तों, रोड लेवल से 10 फीट नीचे कॉलम खोद दिया है। ठीक है बॉस, वहाँ पे सबसे पहले हमने RBB का वर्क किया, यानी जो हमारा ईंट का रोड़ा होता है उसे फैलाया, उसके ऊपर PCC का वर्क किया। PCC का वर्क करने के बाद हमने अपने कॉलम की सेटिंग करी। कॉलम की सेटिंग करने के बाद हमने उसको गुनिया करते हैं। गुनिया का आपको तरीका मालूम है, 4, 5 और 6, 3 स्क्वायर फीट के एरिया से हमने इसका गुनिया किया है और बाकी हमने चारों तरफ की खुदाई करने के बाद अब कॉलम लगाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपन ने ये एरिया कवर किया है तो सबसे पहले बैक साइड का जो आप देख रहे हैं हमने वो कॉलम लगाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने आइसोलेटेड फुटिंग की हुई है। आइसोलेटेड फुटिंग 3 स्टेप में हमारी पूरी हो जाती है।
उसके बाद इस फुटिंग को हमने 9 इंची का खाने में बनाया है। पहला हमारा 3x3 की फुटिंग रहेगी, पहला पीसीसी हमारी 4 फीट चलेगी, उसके बाद 4 फीट का हमारा बेस तैयार होगा, उसके बाद 3x3 की पीसीसी चलेगी 9 इंची ऊंचाई की, उसके बाद 9 इंची स्टेप में ये कटती हुई जाएगी और आखिरी जो फर्म हमें मिलेगा वो मिलेगा 18x18 का। ठीक है बॉस, इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी फुटिंग रेडी हो चुकी है। इसके बाद अपन ने जो काम करना है, दूसरी साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू भी है, चल रहा है। ठीक है बॉस, आई होप आप इतनी चीज़ समझ गए होंगे कि हमने इस वीडियो में यहाँ तक आने के लिए कितना काम कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको इसकी, अगर कॉस्ट की बात करें कि नॉर्मली अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं इसकी, कि हमारी जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है। ठीक है बॉस, तो अगर बात करें हमारे कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट की दोस्तों, तो हमारा 2100 स्क्वायर फीट एरिया बैठता है टोटल लेंटर का, स्लैब का, जिसमें हमने बेसमेंट को मर्ज करना है। इसमें हमारी RCC की दीवारें होंगी फ्रंट साइड की, साइड में हम ब्रिक वर्क आपको होता हुआ दिखाएंगे अपने फर्दर वीडियो में। हम फिलहाल कैलकुलेशन करके चल रहे हैं 700 से 800 स्क्वायर फीट को, सॉरी हम फिलहाल कैलकुलेशन करके चल रहे हैं 700 से 800 रुपये पर स्क्वायर फीट एरिया। तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम में कितनी कॉस्ट आती है। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में।